अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, भुक्सार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है ग्रिल चिकन सैंडविच। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। लंच बॉक्स में दीजिएगा और रात में इसकी प्रिपरेशन करके रखेंगे तो बनाने में बहुत ही इजी पड़ेगा। इसे सॉस के साथ में खाइए, मायोनीज के साथ में खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। और देखिए आप हमने किस तरीके से बनाया। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने ली थी 300 ग्राम कितना एक ब्रश ले ली थी, एक अच्छा बड़ा साइज का। और इसको मैंने बॉईल कर ली हूँ नमक और काली मिर्च डाल के, और कुछ नहीं डाली थी। और इसके इस तरीके से हमने रेसे कर लिए। और ये एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली हूँ, मीडियम साइज की एक प्याज है, इसको बारीक चॉप कर ली थी। और एक मीडियम साइज की कैप्सिकम है और एक गाजर ली थी। ये ऑप्शनल है, जो चीज़ आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब चिकन में हम सब चीजों को मिला लेंगे। गाजर प्याज एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी। नमक ले लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। एक टेबल स्पून भर के मैं कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मायोनीस ऐड कर देंगे। मायोनीस मैंने एक लेस ली हूँ, आप चाहिए तो अपनी पसंद से ले सकते हैं। नॉन वेज, वेजिटेरियन जो भी आपको मिलती है आप ले लीजिएगा, इससे भी सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बच्चों को टिफिन में दीजिएगा, लंच बॉक्स में। मायोनीज अच्छे से मिल गई है, इसे मायोनीज की हम ज्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि ब्रेड जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए मायोनीज को बस इतना ही डालेंगे। और ये हम रात में भी तैयारी करके रख सकते हैं बच्चों को टिफिन में देने के लिए। बहुत ही इजी काम है और सिंपल रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ब्रेड के मैंने 4 स्लाइस ले ली हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर मस्का लगा लेंगे। अब इसको हम चीज़ की स्लाइस ले रख लेंगे। ये आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, मैं ये वाला रख रही हूँ। सेकेंड वाले पे भी हम इसी तरीके से चीज़ रख लेंगे। और ये मैंने सैलेड पत्ता ली हूँ। ये भी बहुत हेल्दी है सैलेड पत्ता, डाइट के लिए बहुत यूज होता है। अब हम एक अब इस स्टफिंग को हम अच्छे से फैला के भर लेंगे। कितनी कलरफुल और अच्छी लग रही है माशाल्लाह, देखिए स्टफिंग। अब हम फिर से मस्का लगाएंगे। और इसको हम इस तरीके से रख दें। सेकंड वाले भी ऐसे कर लेंगे। और हल्का सा मस्का ऊपर से लगा लेंगे।
मैंने सैंडविच मेकर ले ली हूँ। आप चाहिए तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं और सैंडविच मेकर में भी बहुत अच्छा ग्रिल होके आएगा ये, माशाल्लाह देखिएगा आप जरूर। और इसे हम बंद कर लेते हैं। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए सैंडविच ग्रिल हो गया है, अब इसे हम निकालते हैं। कितना अच्छा क्रिस्पी ग्रिल हुआ देखिए। सभी सैंडविच को हम इसी तरीके से बना लेंगे के माशाल्लाह से। अब इसमें हम एक छोटा सा ट्यूस करके देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस पे बॉक्स टाइप में चौकड़ी टाइप में वैसा बना के देखेंगे हम। इंशाल्लाह बन गया तो जरूर आपको बताएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही शेप चाहिए था, जिस तरीके से ये आया है बॉक्स टाइप में, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ग्रिल चिकन सैंडविच बनके तैयार हो चुका। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।